आज भले ही अक्षरा सिंह पवन सिंह के नाम से चिढ़ती हो, पवन सिंह के इस बात से चिढ़ती हो कि आज अक्षरा सिंह का जो स्टारडम है पवन सिंह की वजह से, लेकिन एक वो दौर था जब खुले स्टेज पर पवन सिंह के सामने लोगों के समक्ष अक्षरा सिंह ही खड़े होकर कहा करती थी कि आज वो जो कुछ भी है पवन सिंह की बदौलत है, और फिर कहने के बाद पवन सिंह का पैर भी छुआ करती थी। साथ ही साथ अक्षरा सिंह ने वहाँ ये तक कह दिया कि अगर संगीत भी सीखा है उन्होंने तो पवन सिंह की बदौलत सीखा है, पवन सिंह ने उन पर काफ़ी मेहनत की है और आज पवन सिंह उनके गुरु भी हैं एक तरह से। तो ये सारी बातें बाकायदा आप एक स्टेज शो है वहाँ पर सुन सकते हैं, जहां अक्षरा और पवन सिंह दोनों स्टेज शो पर हैं। और इसी स्टेज शो में पवन सिंह ने दर्शकों को ये कहा था कि आने वाले समय में अक्षरा आपकी भाभी है। लेकिन अब जब भी इंटरव्यूज़ होते हैं या कुछ भी होता है, जब मीडिया इंटरेक्शन अक्षरा सिंह करती हैं, लाइव आती हैं, तब वो पवन सिंह को जमकर लताड़ती हैं और ये कहती हैं कि अगर मैं मुस्कुराती हूँ, सुंदर दिखती हूँ, मेरे छोटी सी छोटी कामयाबी का भी श्रेय और कोई लेकर जाता है, ऐसा लगता है कि पैदा भी मुझे इन्हीं लोगों ने किया है। तो यहाँ पर पूरी तरह से टोंट मारती नज़र आ रही हैं अक्षरा सिंह पवन सिंह पर। तो और अक्षरा सिंह को अब अपनी पुरानी बातें भी याद नहीं है, जहाँ पर अक्षरा सिंह पवन सिंह की बड़ाइयों के कसीदे पढ़ा करती थी। साथ ही अक्षरा सिंह के जो फैंस हैं वो भी पवन सिंह पर आरोप लगाते हैं कि पवन सिंह को अक्षरा सिंह ने झेला है, अक्षरा सिंह की अगर कोई और औरत होती तो शायद पवन सिंह को नहीं झेल पाती। इन दिनों अक्षरा सिंह के कई वीडियोस वायरल हो रहे हैं, जहां पर अक्षरा सिंह का एक वीडियो ये भी वायरल हो रहा है कि अक्षरा सिंह ये कहती हुई नज़र आ रही है कि मेरी कामयाबी का सारा क्रेडिट जो है वो कोई और लेकर जाता है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर देख लीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलिए। वजह से ये चल गई, किसी का गाना हिट हो गया तो वो मेरी वजह से हो गया, और किसी फिल्म में मुझे सराहना मिल गई तो वो मेरी वजह से हो गया, या मैं काम कर पा, मेरे साथ ही नहीं, मेरे ख्याल से और भी बहुत सारी हाँ ये भी किसी की देन है। हाँ, मस्करा कोई लगा के आके जाता होगा, हाँ मेरा आईलैश कोई बना दिया होगा, मेरा आंखें कोई बना दिया होगा। हाँ, तो मोस्टली लोग उनके ना 4-5 चमचे भी हैं, बहुत सारे लोगों के यहाँ पे चमचे बहुत आ जाते हैं, जैसे हीरो कोई बन जाता है उनके चमचे हैं तो आपके दीवाने हैं। हाँ, बोल दीजिए। तो मैं अपने दीवानों में खुश हूँ भाई, मुझे चमचे चाहिए नहीं लाइफ में। गॉडफादर यहाँ पे बहुत ज्यादा है, अपने आप ही बन जाते हैं। हाँ, एक तरीके से मैं देखिए ना, तो मैं गाँव से आई हूँ, ना मैं कोई ऐसा जहाँ फैमिली पढ़ी लिखी नहीं है या उस तरीके का बैकग्राउंड नहीं है। मेरा माँ बाप भी अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं, घर परिवार भी बहुत अच्छा है, और पढ़ लिख के ही आई हूँ मैं इस इंडस्ट्री में, ऐसा नहीं है कि ऐसे उठ के आ गई। और दोनों ही काम कर रहे थे, मम्मी पापा दोनों ही काम कर रहे थे NST में, एंड उसके बाद LTG, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, और इनका थिएटर करते दिन भी था, और मेरी पैदाइश ही एक तरीके से कह सकते हैं वही उन लोगों के बीच हुई। तो जब आप वहां पले बड़े हैं तो दैट मींस यू आर एन एक्टर, और आपको आप सीख के आए हैं, आप ऐसे ही नहीं आए। तो म्यूजिक एंड एक्टिंग हमारे रोम रोम में बसता है, तो फिर उस चीज को आप कैसे बोल सकते हैं कि आपने ही सिखा दिया भैया।